चाहिए था, उसने साउंड भी निकाल दिया और हमारा भी साउंड निकाल दिया। भाई साहब इधर कुछ इस तरीके से चढ़ाते हैं यहाँ पे हाथी में, जंगल सफारी तो मस्त रहा, एलिफेंट सफारी हम लोग गए एंड बीच में क्या हुआ ना, बीच में क्या हुआ, दो हाथी को शेर दिख गया ठीक है, तो उसके बाद में जो भागे हैं भाई साहब, मतलब हम लोग इधर लग गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ गया, थ्रिलिंग हो गया हम लोगों के लिए। तो अभी देखो यहाँ से चढ़ के हम लोग अभी जाएंगे वापस होटल एंड देन उसके बाद में निकलें। तो मॉर्निंग सफारी के तीन टाइमिंग है, दैट इज़ 5:00, 6:00 और 7:00, तो जाके बुक कर सकते हो वहाँ पे, इधर डायरेक्ट आ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, मैं कॉन्टैक्ट भी डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये वाला जो जीप है इधर से आते हैं हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क तक, जिस भी होटल में रुके हुए हो तो इस वाले में लेके आते हैं गाड़ी कब पहले। चलो चलो कहाँ बैठ रहे हैं, बैठो बैठो, चढ़ोगे इस तरफ है उसकी साइड से, क्या बात कर रहे हो वहां से वो शुरू किया नीचे कर दिखाए ऐसे लो रंबल है, एलिफेंट्स डोंट मेक दैट नॉइस दैट बेस आज हम लोगों का राइड है फ्रॉम काजीरंगा टू गुवाहाटी। चलो ठीक है मिलते हैं, थैंक यू, चलो बाय बाय। तो सही है, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का एक्चुअली काजीरंगा में आज, मज़ा आ गया यार, बट थोड़ी बहुत फट भी गई क्योंकि तो यहाँ से हम लोगों का जो सफ़र है आज का है काजीरंगा से गुवाहाटी तक का, सुबह हम लोग गए थे एलिफेंट सफारी के लिए, बहुत ही मज़ा आया, मतलब एक्सपीरियंस ऑल नेक्स्ट लेवल वाला था, क्योंकि हम लोग एलिफेंट सफारी पहली बार किए एंड उससे पहले कभी किया नहीं था। एंड जो जीप सफारी रहती है ना, जीप में मज़ा नहीं आता यार, मतलब जीप में राउंड ज़्यादा देते हैं, मतलब 25 किलोमीटर्स का रेंज रहता है उनका जाने का, वहाँ तक होके आते हैं, बट उसमें फील नहीं आता है। तो गाइज अब यहाँ से हम लोग ना एक थोड़ा सा सोवनियर शॉप जा रहे हैं, जहाँ से थोड़ा सा एक मेमोरी लेके जाएंगे ज़रूर यहाँ की, कि हम लोग यहाँ पे विज़िट किए थे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को छोटा छोटा कुछ मेमोरीज़ लेके जाना। एंड कल तो हम लोगों ने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि कल बिल्कुल हाईवे रन था एंड इट वॉज़ नॉट एट ऑल गुड, तो आप लोगों को अगर रोड दिखा देता कसम से ना आप लोगों को तरस आता हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब रोड था यार। तो सीन ये था कि थोड़ा सा चल रहे हैं देन उसके बाद में ऑफ रोड आ जा रहा है, थोड़ा चल रहे हैं ऑफ रोड आ जा रहा है, वैसा टाइप से था, तो कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं था जो बीच में मैं आप लोगों को राइड करके दिखाता। तो अभी यहाँ से कुछ ऐसा सीन रहेगा, एक बार सोवनियर शॉप में जाके रुकेंगे एंड वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत एक कुछ भी एक लोगो टाइप सा या फिर कुछ एक फ्रिज मैगनेट टाइप सा कुछ लेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सीधे गुवाहाटी। तो आज का डिस्टेंस जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज़ 214 किलोमीटर्स हम लोगों के होटल से एंड ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि हाईवे अच्छा है, तो इट विल टेक 4 आवर्स एंड अभी 10:00 हुआ है, तो बाई लंच टाइम विल बी देयर एंड वहाँ पर जाके लंच करेंगे। एंड देर इज़ अ मीटअप एज वेल टूडे जो बुलू भाई ने अरेंज कराया है, मीटअप है हम लोगों का 6:00 जिंजर होटल, तो लेट्स सी कितने लोग आते हैं, बट मज़ा आएगा यार, मतलब अल्टीमेट राइड थी, कितने दिन का राइड था, अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखे हैं देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन और द प्लेलिस्ट कमिंग राइट नाउ एंड बहुत ही अमेजिंग था, अलग एक्सपीरियंस था, हम लोग यहाँ पे कभी आए नहीं थे यार, ये बहुत अच्छा था यहाँ पे ना, ऐसे वुडन चीज़ें बनी हुई थी। शॉप पे छोटे छोटे से राइनो है, कितने का है भैया ये? 120 और ये वाला 100, ये वाला 100 का है। अच्छा इसका टाइप इसमें थोड़ा सा स्मूथ फिनिश में नहीं आता क्या, अच्छा फिनिश में अच्छा नहीं, मतलब मेरे ऐसे प्लेन टाइप सा नहीं बनाते हो क्या, अच्छा लग रहा है। बट ये कितने का, ये 100 का है, क्या ले रहे हो बोलो भाई, वो बड़े वाला कितने का, जगह नहीं हो पाएगा, बात तो सही है, देखते हैं कौन सा है यहाँ पे।
बारिश के टाइम आता है। अच्छा बारिश के टाइम पे एनिमल आता है बारिश का टाइम तो पूरा फ्लड होता है ना। हाँ अंदर में भी पूरा फ्लड होता है। तो सारे इधर आ जाता है। तो फिर आप लोग कैसे फिर रहते हो? पहाड़ में जाता है वो हिल्स में। हाँ ऊंचा हाइट पे। हाँ हम लोग का कोई अटैक नहीं है। अच्छा हम लोग का कोई होता हम लोग का जो ये है ना यहाँ पे रहना वाला आदमी हम लोग का मालूम हो गया। हाँ भाई इधर पानी आ जाता है क्या? इधर नहीं है वो नीचे नीचे। ओके चलो थैंक यू। थैंक यू। चलो बढ़िया भाई दो एक राइनो लिए छोटे छोटे। बढ़िया अपना वर्क डेस्क पे जाके लगा दूंगा मस्त लगता है। आज तो फटते फटते बच्चे आ जाओ। मस्त वाला सीन होते होते बचा आज। थैंक यू फॉर कंसर्न टू एनिमल सेफ्टी। यहाँ पे भी एक हाथी दिख रहा है। कितना क्यूट लगता है बड़ा सभी। यहाँ पे है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। और देखो अभी तो क्योंकि स्लॉट्स जो हैं वो सिर्फ सुबह के होते हैं 5, 6, 7 तो अभी तो यहाँ पे सब चले गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और जब बताते हैं यहाँ पे जब बाढ़ आ जाता है ना तब सारे जानवर है ना यहाँ पे आ जाते हैं जो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जो एरिया है। जो लिखा हुआ है ये हर एक एनिमल कॉरिडोर के बाद में लिखा हुआ। उई देख के मेरे को लगा आप स्पीड में है। हाँ ये देखो इधर लोग घर भी वैसे ही बना रखे हैं थोड़ा सा पिलर खड़ा करके क्योंकि पानी पूरा भर जाता है। एक्चुअली सारे एनिमल्स को ना इस साइड रहना चाहिए लेफ्ट वाली साइड। तो अभी अपने को कुछ कुछ लोग मिल गए हैं जो कि इंटरेस्टेड है बाइक कर रहे हैं सुनने में। नदी एक मिनट चलो यो है पेट्रोल पड़वाने के लिए क्योंकि यार यहाँ पे असम मतलब गुवाहाटी से तेजपुर के लिए जो रास्ता जा रहा है ना वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक मतलब ज़्यादा पेट्रोल पम्प नहीं है तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा अपोजिट साइड में भी आना पड़ जाता है। शेरे पंजाब ढाबा मिल गया फाइनली एंड लंच वंच करेंगे यार यहाँ से। अभी टाइम हो चुका है 1 o'clock। 2-3 बजे तक तो वैसे भी पहुँच ही जाएंगे। हम लोग यहाँ से पहुँचने वाले हैं बेसिकली गुवाहाटी एंड डिस्टेंस रह गया है 25 किलोमीटर। तो बहुत ही अमेजिंग राइड रहा एंड आज हम लोगों को जाने के बाद में एक मीटअप भी है शाम 6 बजे जिंजर होटल में। तो देखेंगे कितने लोग आते हैं मीटअप करेंगे दैन उसके बाद में हम लोगों का जो बाइक लोड है वो हो जाएगा स्टार्ट 10 बजे के बाद में क्योंकि 10 बजे ही जो ट्रक है वो अंदर एंटर कर सकता है। तो आज लोडिंग करा के दैन उसके बाद निकल जाएंगे। स्टोरीज आप लोगों को मिलते रहेगी अभी भी इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम आई डी इज nadeemalvin93। तो मेक श्योर यू फॉलो एंड जो बाकी पोस्ट हैं जो मैं एडिट नहीं कर पाया एडिट करके ज़रूर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। See you in the next vlog. Take care. Bye bye.